बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मौत के बाद लीची को लेकर उड़ी अफवाह के चलते अब जिला कांगड़ा के बागवानों ने तुड़ान रोक दिया है। मंडियों में डिमांड कम होने और उचित दाम न मिलने के बाद बागवानों ने ये कदम उठाया है। अब बागवान मामला थमने का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही इंतजार कर रहे हैं कि अब बाहरी राज्यों से लीची की मांग बढ़े तो उनके उत्पाद का सही दाम उन्हें मिल सके। हर बार की तरह इस बार भी जिला कांगड़ा व उसके आसपास के क्षेत्रों में लीची की फसल भरपूर हुई है। किसानों में खुशी की लहर भी थी, पर किसानों को ये नहीं पता था कि खुशी इस बार गम में बदल जाएगी। चमकी बुखार से बच्चों की मौत के बाद लीची को लेकर उड़ी अफवाह के चलते अब जिला कांगड़ा के बागवानों ने इसे तोड़ना रोक दिया है। मंडियों में डिमांड कम होने और उचित दाम ना मिलने के कारण ये कदम उठाए गए हैं। अब बागवान मामला थमने का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही इंतजार कर रहे हैं कि अब बाहरी राज्यों से लीची की मांग बढ़े तो उनके उत्पाद को सही दाम मिल सके। वहीं चमकी बुखार के साथ लीची को जोड़े जाने के कारण लीची के किसान भी आंसू बहा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी जिला कांगड़ा व उसके आसपास के क्षेत्रों में लीची की फसल भरपूर हुई थी। किसानों में खुशी की लहर थी, पर किसानों को ये नहीं पता था कि खुशी कब गम में बदल जाएगी। हाल ही में बिहार में हुई चमकी नामक बुखार में से कई लोगों की जान जा चुकी है। वजह लीची बताई जा रही थी। लीची खाने से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। एक समय था जब लीची 100 रुपये किलो बिकती थी, पर जैसे ही बिहार की खबर लोगों तक पहुंचना शुरू हुई, लीची के दाम कम होने के साथ साथ अब लीची खरीदने वाले लोगों की संख्या भी कम हो गई। अब आलम यह है कि लीची मंडी में 20 से 30 रुपये किलो बिक रही है। लीची के बाग के किसान अमित पठानिया के अनुसार दहशत की वजह से लीची का बाग इस बार नहीं बिक पाया। बिहार में जो चमकी बुखार है उसकी वजह से लीची का दाम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। बगीचे को खरीदना तो दूर की बात है, लोग अब लीची का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मंडी में लीची को लेकर जाते हैं तो लीची लेने कोई नहीं आता है। अगर लीची कोई लेता है तो उसके दाम कम देना चाहता है। मेरा नाम अमित सिंह पठानिया है और मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से हूँ। हमारे यहाँ पे 20 पेड़ हैं लीचियों के जो बिके नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी दहशत है मार्केट में, और जो पहले बिक जाते थे आसानी से अभी वो बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि चमकी बुखार जो बिहार में बहुत सारी दहशत है उसकी वजह से प्राइस भी जो हम चाहते थे वो मिला नहीं मंडी में। और बहुत सारे जो लेने आते हैं यहाँ पे बगीचों को खरीदते हैं, उन्होंने खरीदा नहीं क्योंकि उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। यहाँ पे बिके भी नहीं, आप सब जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ हैं, लीचियाँ वैसी की वैसी लगी हुई हैं, कोई लेने के लिए खरीदार नहीं है। मार्केट में मंडीज में जाते हैं तो वो लेना नहीं चाहते, और प्राइस जो है वो काफ़ी डाउन रहता है। अगर हम बोलते हैं कि हमें 50 रुपये बेचना है तो वो ले नहीं रहे हैं मंडीज में, 20 रुपये का प्राइस दे रहे हैं, तो इस वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी सारी बहुत सारे पेड़ है, अगर उस साइड भी जाएंगे तो पूरे के पूरे पेड़ भरे पड़े, कुछ भी नहीं बिका है मार्केट में, और बहुत सारा दहशत है उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। बल्कि हमारा नहीं, बहुत सारे अड़ोस पड़ोस में और बहुत सारे लीची वाले खरीदार हैं वो आ नहीं रहे हैं, विक्रेता जो हैं वो बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी दहशत है कि लोगों को लग रहा है कि अगर हम खाएंगे तो हमें बुखार हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा वैसे ही, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग लेना नहीं चाहते मंडीज में। लीची के खरीदार संजय शर्मा ने बताया कि इस बार लीची के खाने का बिल्कुल भी मन नहीं रहा है, क्योंकि पता नहीं अफवाह है या क्या, मन में भय है कि कहीं उन्हें भी बुखार ना हो जाए। मैं लीची के बाग में खड़ा हूँ, लेकिन ये लीची खाने का मन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पता नहीं अफवाह है या क्या है, लेकिन मन में थोड़ा सा भय है कि कहीं हम लोगों को भी बुखार ना हो जाए, तो इस कारण जो है वो हम लोग लीची खाना जो है लगभग जब से ये फल पकना शुरू होता था तब से शुरू करते थे। अब तो लगभग लीची ख़त्म होने के कगार पर आ गई है, लेकिन आज तक हमने लीची नहीं खरीदी, इस साल जो है लीची नहीं खरीदी। क्यों? क्योंकि ये जो चमकी बुखार बुखार के बारे में जो बात बताई जा रही है, तो इस कारण इस भय के कारण जो है वो हम लीची नहीं खा रहे हैं, और यहाँ पे मैं बाग में खड़ा हूँ और इस बाग में मैं लीची खाना पसंद नहीं करूँगा। सब्जी मंडी के खरीदार विकास ने बताया कि बुखार की वजह से लीची में कीड़ा बताया गया है, जिसका कारण लोग लीची खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस लीची का दाम 70 से 80 रुपये हुआ करता था, अब वो मात्र 20 से 25 रुपये है। आज इतना कारोबार होने के बावजूद भी व्यापारी और लोग लीची खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, और लीची की डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुकी है।
मैं प्रकाश शर्मा चौक नंबर 30 से बोल रहा हूँ। मतलब मेन कारण ये है कि जो मुजफ्फरपुर में वो जो अपना जो बुखार वगैरह की दिक्कत के कारण उन्होंने बताया कि लीची में कीड़ा है, वो कीड़ा जो है उसके कारण जो है अपना जो ये बुखार जो बुखार की दिक्कत आ रही है। तो लोगों का न्यूज़ चैनल के माध्यम से पेपर के माध्यम से जो लोगों का माइंड जो है ऐसा सेटअप हो गया कि वो लीची खाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। और मार्केट में लीची आ रही है, जो लीची 70-80-90 के भाव से बिकने वाली लीची थी जो वो आज 20 से लेके 35 के बाजार में आ गई है। और उस इतना बाजार होने के बावजूद भी व्यापारी और लोग उसको खरीदने के इच्छुक नहीं है। तो इसमें व्यापारियों को भी लॉस है, हमें भी लॉस है। अब लीची की डिमांड ही नहीं है, मतलब एक ना के बराबर है, लोग लेने की इच्छुक ही नहीं है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता का कहना है कि चमकी बुखार से संबंधित एक भी मामला सामने नहीं आया है, फिर भी विभाग पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि बच्चों को लीची खिलाने से कोई चमकी बुखार नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर कुपोषित बच्चा भरपूर डाइट की जगह पर लीची खाए तो ऐसे में लीची की चमकी बुखार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी तक पिछले कुछ सालों में एनकेफलाइटिस या एनकेफलोपैथी, जिसको वर्नैक्युलर लैंग्वेज में चमकी बुखार बिहार में नाम लिया जाता है, इसका कोई भी केस हमारे जिला में पिछले कुछ सालों से रिपोर्ट नहीं हुआ। ये एक संक्रमित बीमारी है एनकेफलाइटिस, मोस्टली जिसको आप चमकी बुखार का मीडिया नाम दे रहा है, एनकेफलाइटिस एनकेफलाइटिस की वजह से मैक्सिमम केसेस पाए गए हैं बिहार में या यूपी में पिछले कुछ सालों में, और हिमाचल में इस बारे में कोई पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुए। सोशल मीडिया पर जो है लगातार चमकी बुखार को लेकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये लीची खाने से हो रहा है, तो क्या वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है? ये सोशल मीडिया में या फैलाई जा रही भ्रांतियां हैं, ठीक है। ये एक संक्रमण रोग है, इसका लीची या कोई अन्य खाद्य पदार्थ खाने से या ना खाने से कोई लिंक नहीं है, जो वैज्ञानिक तौर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता। यूजली ये जो कुपोषित बच्चे होते हैं या पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में जहाँ हाइजीन या सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होती, उनमें उन बच्चों में इसका प्रभाव ज़्यादा देखा गया, पर खान पीन से इसके साथ कोई किसी डायरेक्टली किसी आइटम को लिंक नहीं किया जा सकता। थैंक यू सर।